नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ी न्यूज लेकर आए हैं। अगर आपके पास भी है मारुति सुजुकी की कार तो ये न्यूज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मारुति सुजुकी ने 1.81 लाख यूनिट्स रिकॉल कर लिया है। मारुति सुजुकी ने बताया कि सियाज, एस क्रॉस, वितारा ब्रेजा, आर्टिगा और एक्सएल 6 के पेट्रोल मॉडल को वापस मंगाया गया है। इनमें सिर्फ उन गाड़ियों को रिकॉल किया गया है जो सार में 2018 से लेकर 27 अक्टूबर 2020 के अंदर बनी है। मारुति सुजुकी ने यह भी कहा कि इसके लिए कार ग्राहकों को कोई भी पैसा नहीं देना होगा और इसका खर्चा कंपनी खुद उठाएगी। अगर आपकी कार भी इस रिकॉल ऑर्डर के दायरे में शामिल होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब हम बताते हैं। इसके लिए आपको मारुति सुजुकी या फिर नेक्सा की वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद मॉडल की आधार पर और वाहन की सेसिस नंबर दर्ज करना होगा, जिससे यह पता लग जाएगा कि आपको अपनी वाहन की जांच करानी है या फिर नहीं। साथ में मारुति सुजुकी ने रिकॉल किए गए यूनिट्स के मालिकों को ये भी सलाह दी है कि वे पानी भरे क्षेत्रों से ड्राइविंग करने से बचे रहे। इससे तो यही पता चलता है कि मारुति सुजुकी की कारें कितनी नाजुक होती है। ये तो ठीक बात है कि मारुति सुजुकी ने अपनी खराब गाड़ियों को रिकॉल किया है, लेकिन उनको अपनी गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी इम्प्रूव करना जरूरी है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को भी आप फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।